एंड ब्रीथ आउट डैश इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन और एनिमल हैं ठीक है वो क्या चीज अंदर लेकर जाते हैं और सांस लेने के दौरान वो क्या चीज जो कौन सी ऐसी चीज है उसको रिलीज करते हैं तो जो टेकिंग है वो है ऑक्सीजन और जिसको ब्रीथ आउट करते हैं वो है कार्बन डाई ऑक्साइड नाउ कमिंग टू पॉइंट पॉइंट टू बताने से पहले मैं यहाँ को एक चीज नोट डाउन करवा दूँ कि सेकेंड uh, ब्लैंक में एक स्लाइटली जो है वो कंपोजिंग मिस्टेक है ठीक है दैट यहाँ पे एक वर्ड है देयर ऑन ये देयर ऑन नहीं आना यहाँ पे वर्ड आना है देयर टी एच ई आई आर देयर प्लांट्स मेक देयर डैश बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो है वो क्या चीज बनाते हैं जिस एक प्रोसेस के थ्रू और प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस सो द करेक्ट आंसर इज नंबर थ्री पे है ऑल लिविंग थिंग्स डू द फॉलोइंग कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है अगर आप ध्यान से देखिए तो हर ब्लैंक के स्टार्टिंग में आपको एक लेटर गिवन है अब आपने यहाँ पर लिविंग थिंग्स के वो फिनोमिना या करेक्टरिस्टिक का नेम लिखना है जो इस अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं जैसे कि ए के स्टार्ट में हमारे पास मेंशन है ई e, तो यहाँ पर आपने एक ऐसी क्वालिटी ऐसी फिनोमिना का नाम लिखना है जो लिविंग थिंग्स करते हैं और वो ई से स्टार्ट होती है सो so मैंने यहाँ पर मैंशन किया है ईट ईट मतलब खाना जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो खाना खाती हैं बी पे हमारे पास आर आर से यहाँ पर रेस्पायर ठीक है रेस्पायरेशन या यानी कि वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं अपने फूड को ब्रेक डाउन करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं

ए मीनिंग उसमें बताना है एच से एक लिखना है और एस से लिखना है एच से मैंने लिखा है हैप और एस से लिखा है सेंसिटिविटी ठीक है यानी कि लिविंग थिंग में जो है वो एक सेंसिटिविटी की जो एक करेक्टरिस्टिक्स होती है यानी कि वो अपने आस पास इन्वायरमेंट्स को जो है वो उस उसके अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करती है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती हैं जैसे कि हॉट गर्मी लगना सर्दी लगना पेन फील करना ये सब सेंसिटिविटी की वजह से ही होता है नेक्स्ट है हमारे पास ई e में फर्स्ट लेटर है एम अब हमने ऐसी करेक्टरिस्टिक लिखनी है जो एम से स्टार्ट होती है सो देयर इज मूव यानी कि हरकत करना देन हमारे पास एफ में लिखा हुआ है जी अब जी से जो हमने मैंने करेक्टरिस्टिक मेंशन की है वो है ग्रो यानी कि बड़ा होना एंड द लास्ट है हमारे पास आर अब आर से जो अब मैंने एक ऐसी करेक्टरिस्टिक लिखी है जो लिविंग थिंग्स में होती है एंड इट्स नेम इज़ रिप्रोड्यूस यानी कि हर लिविंग थिंग्स जो होती है वो अपनी कॉपीज जो है वो बनाती है

स्टूडेंट क्वेश्चन डी है ऑन पेज नंबर फोर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड कर लें फाइंड वन वर्ड फॉर ईच सेंटेंस यहां पर हमारे सामने कुछ सेंटेंस मेंशन है आपने इन सेंटेंस को जो कह सकते हैं कि आंसर जो है वो वन वर्ड में लिखना है आपको इन सेंटेंस से जो भी बात समझ आ रही है कि वो क्या पूछ रहे हैं आपने उसको वन वर्ड में उसका आंसर आगे मेंशन करना है जैसे कि फर्स्ट है आपके पास द गैस दैट वी नीड टू ब्रीथ ठीक है वो गैस का नेम जो जिससे हम जिसमें जिससे हम सांस लेते हैं डेट इज ऑक्सीजन आपके हर सेंटेंस के आगे एक डैश है यानी कि फिलिंदी ब्लैंक एक ब्लैंक लाइन उन्होंने लिखी हुई आपने इस लाइन के ऊपर आंसर को मैंशन करना है स्टूडेंट हमारे पास अनदर वर्ड फॉर मूवमेंट यानी कि मूवमेंट यानी कि जब लिविंग uh, थिंग्स जो है वो मूव करती है तो उसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास दूसरा वर्ड है लोकोमोशन थर्ड है हमारे पास सी द वर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि हमारी बॉडी से जब वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं तो उस प्रोसेस का नाम हमने वर्ड वर्ड में लिखना है एंड इट्स नेम इज़ इेशन नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास द वर्ड फॉर फ्रॉग एग्स ठीक है फ्रॉग के एग के लिए एक वर्ड लिखें स्पॉन ठीक है नेक्स्ट है यंग फिश यंग फिश को हम क्या कहते हैं फ्राई ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन आंसर करना है ऑन पेज नंबर फोर पेज नंबर फोर पर हमारे पास क्वेश्चन है एंड पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल ठीक है जो सेल्स के अंदर वैक्यूल होता है हमने उसका फंक्शन उसका काम बताना है एंड द आंसर इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल फूड वॉटर एंड वेस्ट सब्सटेंसिस तो वैक्यूल का काम क्या है वैक्यूल जो है वो स्टोर करता है फूड को वॉटर को और जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं लिविंग थिंग्स के उनको वो स्टोर करता है ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास students, अपने क्वेश्चन को भी अंडरस्टेंड करना है देन आप हम उसके आंसर की तरफ जाएंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि, कि एक्चुअली क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में रीड करती हूँ वेयर डू एनिमल्स गेट देअर एनर्जी फ्रॉम जो एनिमल्स हैं वो अपनी एनर्जी जो है कहाँ से लेते हैं वैसे अगर हम स्टूडेंट्स हमें एनर्जी कैसे मिलती है अगर आपकी बॉडी में एनर्जी किससे आती है फूड से आती है ठीक है अगर आप खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती तो इन द सेम वे एनिमल्स को भी एनर्जी फूड से ही मिलती है एक बार प्रॉपर आंसर देख लेते हैं आंसर है हमारे पास एनिमल्स गेट इनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ठीक है यानी कि प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है सॉरी एनिमल को जो एनर्जी मिलती है किससे मिलती है वो दूसरे प्लांट को ईट कर प्लांट को ईट करता है और साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी ईट करता है स्टूडेंट्स okay, आज के लिए इतना ही जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उन्हें कंटिन्यू करेंगे थैंक यू